एक बार फिर से स्वागत है आपका और हमारा अपना चैनल कुछ नया करें में। आज हम वीडियो लेकर आए हैं डिजी नेम। जी हाँ दोस्तों, डिजी नेम और सीएससी वालों को इसे काफ़ी ज़्यादा कैशबैक भी मिल रहा है। यदि आप पीएमजी दिशा चलाते हैं तो आपको 100% आपका कैशबैक आपके वॉलेट में रिटर्न कर दिया जाता है। तो बहुत बेस्ट सर्विस है अभी दोस्तों डिजी नेम आया है खुल करके। तो आज हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे और एक और नेक्स्ट वीडियो भी है जिसको आप वहाँ आई बटन में क्लिक करके यहाँ से आराम से देख पाएंगे कि हम उसको वेबसाइट को डिजाइन किस प्रकार से करें, पब्लिक किस प्रकार से करें, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना बना चुका हूँ। उसको आप यहाँ से आराम से जाकर देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं दोस्त। तो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के घंटे दबाकर ऑल में क्लिक कर लीजिएगा। यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना समय गंवाए हम फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सर्विस लिखेंगे, सर्विस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो सर्च बार आता है, सर्च बार में आपको टाइप करना है डीजी नेम। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये मैं आपको बता दिया कि सीएससी हम पोर्टल से डायरेक्ट किस प्रकार से इस साइड में आ सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट dgname.in पर भी इस साइड पे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएंगे साइड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर होम इन्फॉर्मेशन, डोमेन, वेबसाइट, रजिस्टर, कनेक्ट, लॉगिन और बहुत सारे इसमें फंक्शन दिए हुए। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर। यहाँ पर सर्च डोमेन नेम का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको अपना जो डोमेन नेम बनाना है आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। तो मैं अपने चैनल के नाम से चलो कुछ नया कर यहाँ पर डोमेन सर्च करता हूँ। सर्च करते यहाँ पर बहुत सारे डोमेन नेम आपके सामने आ जाएंगे। आप जिसको चाहे उसको आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नया करे डॉट इन, कुछ नया करे डॉट को डॉट इन आ रहे हैं। तो आप जिसको लेना चाहे यहाँ से आपको यहाँ से ऐड टू चैट में क्लिक करके आपको ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ नया करे डॉट ओ आर जी डॉट इन को यहाँ से हम ऐड टू चैट में क्लिक कर लेते हैं। ऐड आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर कुछ नया करे यहाँ पर एडिट हो चुका है। एडिट होने के बाद आपको कहाँ यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, ये यहाँ पर पीला निशान में आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेते हैं। केवल एक ईयर्स, 1 साल, 1 साल के लिए लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेकआउट में क्लिक करेंगे। तो जैसे चेकआउट पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्टर्ड यूजर, न्यू यूजर। यदि आप एक सीएससी वेल हैं तो आप यहाँ पर साइन इन में क्लिक करेंगे। यदि आप सीएससी वेल नहीं हैं तो क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे। तो चलिए हम एक सीएससी वेल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इन में क्लिक करेंगे। तो जैसे साइन इन में क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर यूजर, रिटेलर, एडमिन को बहुत सारे। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमको लॉग इन सी एस सी कनेक्ट में हमको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको अपना सी एस सी आईडी और पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड में इस प्रकार से आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखते हैं शॉपिंग कार्ट, आप यहाँ पर शॉपिंग कार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट कस्टमर क्लिक करेंगे। तो आप न्यू कस्टमर को यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू कस्टमर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नया करें डॉट ओ आर जी डॉट नेट का यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको टोटल ये फॉर्म फिलअप करना होगा, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। तो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देंगे, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप सीएससी वैली डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा एड्रेस यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे। यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देंगे। जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पर 53 रुपीज़ का जो यहाँ पर आपको चार्ज लग रहा है वह यहाँ पर आपको चार्ज नहीं लगेगा। क्योंकि उसके आगे बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर डालने के बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देंगे। ये एड्रेस आप ख्याल रखेंगे, यहाँ पर आप डू नॉट यूज स्पेशल चैप्टर्स। एड्रेस पूरा डालने के बाद यहाँ पर ऐड यूजर में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ऐड यूजर में क्लिक करते हैं हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर हमको एक ओटीपी दे दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी और अपने मोबाइल नंबर में एक ओटीपी दे दिया जाए। ओटीपी नंबर आपको यहाँ डालना है, डालने के बाद आपको सबमिट करना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद आप यहाँ पर मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे। तो जैसे आप मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको सीएससी आईडी और वॉलेट पिन डाल के आपको यहाँ पर पेमेंट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यदि आप पीएमजी दिशा वीएलई हैं तो आपको 100% कैशबैक का ऑफर दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप प्रिंट रिसिप्ट में क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू होम में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम अपने अपने डोमेन नेम के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ से आप अपने डोमेन को हर प्रकार से सेटिंग कर पाएंगे, अपने वेब को डिजाइनिंग कर पाएंगे। जिस प्रकार से आप किसी और अदर का डिजाइनिंग वेब देखते हैं तो किस प्रकार से लुक में बना होता है, तो हर चीज़ आप यहाँ से कर पाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है सीएससी की ओर से 1 साल के लिए। तो इसको कीजिए, केवल आपको एक बार ही पेमेंट डालना होता है। पेमेंट डालने के बाद जो भी इसका आप करेंगे, वेब डिजाइनिंग और होस्टिंग है,
यहाँ पर आप हर चीज़ देख सकते हैं, माय प्रोडक्ट, वेब डिजाइनिंग से हर चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए अलग से एक और वीडियो, यहाँ आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हम डिजाइनिंग करें अपने वेब को, पूरी जानकारी इसमें वीडियो में बताएं। तो यहाँ से क्लिक करके देख आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर डोमेन नेम है, वेब पेज है, रिन्यू है, पैकेज है, यहाँ पर हर चीज़ आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दे हुए, तो आपको दूसरे वाला ऑप्शन का मैं कुछ बता दें, यहाँ पर वेबसाइट के बारे में, वेब होस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे नीचे आ जाए, यहाँ पर सबसे नीचे क्रिएट एंड अ पब्लिक, क्रिएट एंड अ पब्लिक वेबसाइट में यहाँ पर आपको आके क्लिक करना है। फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जनरेट वेबसाइट में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करते देख सकते हैं आप सामने एक और यहाँ पर वेबसाइट आ जाता है। तो आप यहाँ पर रिप्रव्यू करेंगे साइट, तो अब अभी तुरंत आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह अभी लोड, डोमेन लोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट ए अपडेटिंग वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ओके करेंगे, कुछ प्रतीक्षा करेंगे। अब इतना क्या रखेंगे, केवल आपका एक साइट अभी क्रिएट हुआ है, साइट को आपको डिजाइनिंग करना होगा। हर चीज़ यहाँ पर फ्री बिल्कुल दिया जाता है, तो आप यहाँ से अपने हर चीज़ को सेटिंग कर पाएंगे, किस प्रकार से अपने वेब दिखे, उसका लेआउट किस प्रकार से नजर आए, दूसरे को किस प्रकार से आकर्षित करे, तो यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये सब जानना है तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको दो तीसरे वाले ऑप्शन है, मैनेज DNS में आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, अपना मोबाइल नंबर देकर सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमेन लिस्ट आ जाएगा, डोमेन लिस्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो चैनल है, यहाँ पर लिस्ट आ चुका है। तो थोड़ा सा आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपडेट सर्वर नेम आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए अपडेट सर्वर नेम में आपको क्लिक करना है। उसके नीचे है यू आर श्योर वांट टू कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में आ जाएंगे, क्लिक करना है। तो यहाँ से सर्वर वन को कॉपी किए और यहाँ ऊपर वाले में यहाँ पर क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। फिर यहाँ पर सर्वर टू को भी यहाँ से क्या करना है, आपको कॉपी करना है और यहाँ पर सर्वर टू में यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना। तो चलिए हम यहाँ से पेस्ट कर दिए। फिर यहाँ पर डिलीट एग्जिट में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जनरेट OTP में क्लिक करेंगे। तो जैसे जनरेट OTP में क्लिक करेंगे तो एक नंबर आपको OTP में भेज दिया जाएगा, OTP आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने दिया हुआ है। तो चलिए OTP यहाँ पर डाल लेते हैं। फिर यहाँ सबमिट OTP में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपडेट सर्वर में क्लिक कर देना है, यहाँ पर अपडेट, कुछ प्रतीक्षा करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा नेम सर्वर अपडेट हो चुका है, सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर 10 से 12 घंटा का समय लगता है, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, सर्वर यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ से आप अपना होस्टिंग जाकर के यहाँ पर वेब में जाकर के इसको क्रिएट पब्लिक में भी जाकर प्रव्यू देख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं किस प्रकार से वेब डिजाइनिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं, किसको डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।